इफ एन ऐटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटोन विल इट कैरी एनी चार्ज और नोट तो अगर किसी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटोन है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटोन का चार्ज दोनों का इक्वल होता है तो हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस के 19 कूलम और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कूलम तो दोनों पर जो चार्ज है वो लगभग बराबर ही है तो बराबर ही होता है तो इसका मतलब इनके मैग्नीट्यूड जो हैं दोनों के इक्वल होते हैं देखिए एन इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वेयर एज प्रोटोन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दे आर चार्जिस इज इक्वल दे आर फोर एन एटम कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटोन विल नॉट कैरी एनी चार्ज क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो इट विल बी आर न्यूट्रल एटम तो क्या उस पर कोई चार्ज होगा तो आंसर इज नो देयर विल बी नो चार्ज क्लियर है ओके